जो विदाउट प्रोवाइडिंग एजुकेशन मिल रही है ना हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल रही है, दैट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरी स्टूडेंट। बताइए अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं तो क्या पर्पस है इस प्रोटेस्ट का और आप कौन साहिबान हैं? मेरा नाम है नादिया रशीद, मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडीज़। हमारा आज यहाँ पे यही इशू है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो हमारा एग्ज़ाम ले रही है अभी, वो भी थ्रू ऑफलाइन प्रोसीजर, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि ना हमें यूनिवर्सिटी हॉस्टल अकोमोडेशन दे रही है, 2020 से हमें महरूम रखा गया है, ना हमें कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो लोग दे रहे हैं। अगर वो हमें ये सारी चीज़ें नहीं दे सकते, सो वी आर रिक्वेस्टिंग द हायर अथॉरिटीज़ प्लीज़ एंड टेक आवर एग्ज़ाम्स थ्रू द वर्चुअल मोड, लाइक हमारे जो क्लास हो गए ऑनलाइन उसी हिसाब से हमारे जो एग्जाम्स हैं वो भी लिए जाए। अगर नहीं तो फिर हमें प्रमोशन दीजिए हमारे साथ, जो आपने वो तब एश्योर किया स्टूडेंट्स को, तो वो क्या था? वो तो फिर धोखा था, दे कैप्ट अस डार्क टिल दिस डेट कि यू पीपल विल बी प्रमोटेड। उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की, कुछ सेमिस्टर्स को प्रमोशन मिली, कुछ को नहीं मिली उसमें। और जो UGC की गाइडलाइंस है कि जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं काइंडली प्रमोट देम, बट वो भी नहीं कर रहे फॉलो। यहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, जम्मू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, साउथ बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्कॉस्ट है, एवरीवन कंडक्ट देयर एग्जाम्स थ्रू ऑनलाइन प्रोसीजर। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को क्या मसला है? अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, ऐसे वहाँ पे मसले अगर हम उन पे बात कर लेंगे तो फिर तो बात ही नहीं है, ये तो छोटा। Yes, online exams and promotion. If they are telling us to come for, you know, offline exams, then please give us our basic rights there first. We are ready to come. Yes, then and only we can come university. Thank you.